जय श्री कृष्णा दोस्तों, YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक और जन्म कुंडली का हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आप मात्र खुद को ही सब्सक्राइब करते हैं तो ये जो ज्ञान है, ये जो मदद है, ये आप लोगों तक पहुंचाए, आपके परिवारजन के जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनको भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ताकि जो ये ज्ञान है हर किसी को मिल सके, कोई पैसे के चक्कर में ना फंसे। क्योंकि पैसे देने के बाद हवन यज्ञ हम करवाते हैं शांति के लिए, तो इतना फल नहीं मिलता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें फेसबुक पेज पर, मेरा फेसबुक पेज नवीन सिंह भारेट और यूट्यूब चैनल सृष्टि ज्ञान पर आप शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कुंडली है ये जयंत सिंह टैगोर जी की है। जयंत जी, बर्थ डिटेल मैच कीजिए, 2/12/1989 सायंकाल के 6:55 उज्जैन। आपने जो बताया सर गवर्नमेंट जॉब तो है पर बड़ी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, दूसरे किसी डिपार्टमेंट में क्लास 1 ऑफिसर बन सकता हूं, ये आपने पूछा है। तो चलिए, आपने जो डिटेल दी है उसके अनुसार मिथुन लग्न आपका आया है, जहां गुरु विराजमान है, अर्थात सप्तमेश पहले भाव में ही विराजमान है। कर्मेश और सप्तमेश सौम्य ग्रह हैं, आधे दोष दूर कर देते हैं। और शनि सप्तम भाव में स्थित है, मंगल पंचम भाव में तुला राशि में स्थित हैं, सूर्य और बुध युति बनाकर छठे भाव में स्थित हैं वृश्चिक राशि में। तो बुध आपका लग्नेश हो गया जो कि छठे भाव में चला गया, तो यह आपको इंद्रियों से संबंधित समस्या दे सकता है। जैसे हो सकता है कि कान आदि में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती हो, वाम भाग उल्टा भाग में समस्या आ सकती है, दांत वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, छोटे बच्चों से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम इंद्रियों से, जैसे सुनना कम, देखना कम, बोलना कम, हकलाना तुतलाना, ये सब बुध देता है। तो ये थोड़ी बहुत समस्याएं आपको आ सकती हैं। सूर्य के साथ बैठे हैं छठे भाव में, मंगल पंचम भाव में मेष राशि को देख रहा है, तो आपको कई तरीके की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, सरकार से धन लाभ आपको होगा। शनि व्यापार भाव में स्थित है तो तेल पेट्रोल होटल रोड सीमेंट आदि का काम भी कर सकते हैं, जुडिशरी का काम भी कर सकते हैं, अद्भुत है। शुक्र चंद्र राहु विराजमान है अष्टम भाव में, राहु अष्टम भाव में बहुत ज़्यादा टैलेंट दे देता है। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें, आप गवर्नमेंट जॉब पूछी है, बन तो सकते हैं लेकिन समय बीत जाएगा, क्योंकि 15/8/2027 तक राहु की दशा है। तो राहु आपको बिजनेस लेवल के माध्यम से ऊपर ले जाना चाहता है, बिजनेस के हिसाब से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, काफी तरीके के आप बिजनेस कर सकते हैं। बुद्धि आपको भगवान ने दी है बहुत कुछ करने की, और आप करेंगे भी, काफी मकान वान सब कुछ है आपके पास और डबल मात्रा में है। माता को और आपकी पत्नी को समस्या हो सकती है, और पत्नी से सुख में थोड़ी सी कमी आपको आएगी, हो सकता है उनसे थोड़ा मतभेद आपका चलता रहे। थोड़ा सा राहु और चंद्र मिलकर, चंद्र राहु का जो सूर्य चंद्र ग्रहण हुआ है, शुक्र राहु का जो नजर दोष हुआ है, इससे आपके जो स्त्रियों से जो संबंध रहेंगे, बोलचाल रहेगी, वो उसमें थोड़ी सी अनबन आ सकती है, वहां थोड़ा ध्यान दें, स्त्री जाति का सम्मान करें,
माँ का सम्मान करें, शुक्रवार को स्त्री जाति को कोई ना कोई उपहार आपको देना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए, तो आपको सदैव लक्ष्मी की वृद्धि ही प्राप्त होगी, सदैव लक्ष्मी की वृद्धि ही होगी। 5 डिग्री का आपका लग्न है, जिस वजह से लग्न कमजोर होने की वजह से जो आपको फल मिलना चाहिए ग्रहों का, राजयोगों का, वो नहीं मिल पा रहा है। तो आपको लग्न मजबूत करने के लिए किसी के दूसरे घर का खाना पीना नहीं खाना चाहिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन दौड़ धूप करके शरीर को मजबूत कीजिए, शरीर को बलवान कीजिए, लग्न मजबूत होगा, इससे आपका आत्मबल मजबूत होगा। जमीन आदि से भी आपको काफी लाभ रहेगा, छोटे भाइयों से भी आपको लाभ रहेगा। तो राहु 15/8/2027 तक है, तो आप लोगों से ज्यादा जुड़िए, कांटेक्ट करिए, और बिजनेस के अंदर ज्यादा दिमाग लगाइए, काम धंधे के अंदर ज्यादा दिमाग लगाइए, बहुत कुछ आपको मिलेगा। बिजनेस पर्पज के हिसाब से आप बने हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। थोड़ा गुप्तांगों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। चंद्र राहु की युति मानसिक परेशानी डिप्रेशन की स्थिति पैदा करेगी, तो वहां थोड़ा संतुलन आपको रखना होगा। माँ की और अपनी पत्नी की मतलब मदद कीजिए, वो खुश रहने चाहिए, आप खुश रहेंगे। छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ उपहार आप दीजिए, उनको मिठाई चॉकलेट पहना दीजिए सकते हैं। किन्नरों को आप पूर्णिमा वाले दिन जल आदि का दान करें, हरी सब्जियों का दान करें, साड़ी का दान करें, श्रृंगार सामग्री का दान करें, अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत धन आपका समस्या रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो धन भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में राहु के साथ पीड़ित हो गया, ये थोड़ी सी आपकी समस्या, मतलब पैसा आएगा और कहां से कहां खर्च हो जाएगा, ये थोड़ी समस्या रहेगी आपके साथ। तो सोच समझ कर खर्चा कीजिए, तो फायदा उठाइए। कहने का मतलब ये, राहु की मादशा चली हुई है, तो बिजनेस फील्ड में आप दिमाग लगाइए, शुद्ध रहिए, सात्विक रहिए, नखून नखून काट के रखिए, गंदगी मत रखिएगा, कपड़े धुले हुए पहनना, बिस्तरों की उठते साथ तय बना देना, माँ बाप का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, मंदिर में रोज दर्शन करना, तिलक आदि लगाना, इससे गुरु मजबूत होगा, राहु शांत होगा, पॉजिटिव चीज मिलेगी। गोमूत्र का अगर आप सेवन कर सकते हैं तो सुबह पहले आप सेवन करें, आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी आपकी। और शनि आपके भाग्येश हैं, शनि आपके अष्टमेश हैं, और देख भी रहे हैं भाग्य भाव पर काफी दृष्टियां पड़ी हुई हैं, तो आपका भाग्य एकदम चमकेगा, बस आपको अब मेहनत करनी है, पाना है सब कुछ। राहु अष्टम भाव में चंद्र शुक्र के साथ बैठा है, तो गोपनीय ज्ञान गूढ़ ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है, निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि सूर्य जो है वृश्चिक राशि में छठे भाव में बैठा है, बुध भी जहां मतलब नवमांस में देखा जाए तो कमजोर पड़ रहा है, थोड़ा नीच का हो रहा है, तो उस वजह से आपका जो वाणी है, जो आप मतलब अंदर ज्ञान है, उसको सामने आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो आपकी थोड़ी सी समस्या रहेगी। तो उसके लिए आपको भगवान श्री गणेश को आपको बुधवार के दिन 2 लड्डुओं का और दुर्वा आदि का भोग आप लगाइए, और बुद्ध के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, ओम राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। तो ये तो थी आपके बारे में जानकारी। क्लास 1 का बने, इससे अच्छे आप नंबर 1 के बिजनेसमैन बन सकते हैं, कहने का मतलब ये है। कुत्तों को रोटी आदि डालें, राहु की मादशा है, तो इतना कीजिए। और जो भी समस्या है, मेरे फोन नंबर हैं, आपको मिल जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, इन पर आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं जैसा भी आपको लगा। और अकेले आप तक ही सीमित ना रखें, और भी वीडियो उनको देखें, कमेंट करें, और आप कम से कम एक व्यक्ति को कम से कम 20-25 सब्सक्राइबर बढ़ाने चाहिए, जोड़ने चाहिए, बस आप मेरी इतनी मदद कीजिए। बस यहीं से मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।